हेल्दी लाइफ का लंबा सफर, छोटी गोलियां बड़ा असर। वक्त से परे है रक्त, इस धरा को धरे है रक्त, जीवन को है संग चुना, रक्त एक ही रंग बना रक्त। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपाली आपकी सेहत की साथी और आप देख रहे हैं हैप्पी होम्योपैथी फैमिलीज का हेल्दी सफ़र, छोटी गोलियां बड़ा असर, डॉक्टर ए के द्विवेदी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीमारी किसी जाति, धर्म या अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती, लेकिन यदि बीमारी गंभीर हो और रोगी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो ऐसे में सिर्फ भगवान ही उसका एक सहारा रह जाते हैं। ऐसे में यदि रोगी को कोई ऐसी औषधि मिल जाए जो महंगी भी ना हो, हानि रहित हो और लेने में भी आसान हो, तो वो उसके लिए संजीवनी बूटी बन जाती है और वो चिकित्सक भगवान का एक रूप। दोस्तों, ऐसी ही होम्योपैथी की एक और सक्सेस स्टोरी आज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रक्त संबंधी गंभीर बीमारी अप्लास्टिक एनीमिया पर डॉक्टर ए के द्विवेदी की 50 मिलीसीमल पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाइयों ने एक बार फिर से अपनी सफलता दर्ज की है। दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में रहने वाली श्रीमती सरोज पांडे जी की अपनी कहानी, उन्हीं की जुबानी। जय श्री कृष्णा, मैं सरोज पांडे उज्जैन में रहती हूँ, महाकाल के चरणों में। मेरा 2009 में मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था, तबीयत खराब हुई थी जनवरी फरवरी में से। उस टाइम भी हमने डॉक्टरों को बताया, फरवरी में मेरे को खून की बॉटल भी चढ़ी, ग्लूकोज की बॉटल भी चढ़ी चार, तो कुछ 4 महीने बाद फिर खून खत्म हो गया। फिर 4 महीने बाद फिर से चढ़ाया हमने, हमको फिर भी फायदा नहीं हुआ, तो आयुर्वेदिक की भी दवाई करी, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। फिर रावत डॉक्टर द्वारा इंदौर गए, इंदौर आलोक मोदी द्वारा वहाँ भी जांच करवाई हमने, उन्होंने भी बताया वो बोन मेरो का, वहाँ भी हम परेशान हो गए। फिर बाद में देवास वाले भाई साहब द्वारा हमने होम्योपैथी हॉस्पिटल पहुँचे, तो फिर वहाँ भी हमारा इलाज चालू हुआ। जब से अभी तक फर्क है, नहीं तो 2.5 ग्राम खून था, उससे 7-8 तक पहुँचा। अब 1.5 साल तक दवाई ली मैंने, तभी एकदम तबीयत स्वस्थ है मेरी। एलोपैथी में हमारा बहुत धन भी खर्च हुआ और लाभ कुछ नहीं मिला, और ये होम्योपैथी से जब हम जुड़े डॉक्टर ए के द्विवेदी के माध्यम से, इलाज भी सस्ता हुआ और बहुत जल्दी उससे लाभ मिला हमको। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, साधुवाद है उनको, जिन्होंने एक जान बचाई इसी जटिल समस्या है, इसी बीमारी को बचाया उन्होंने, और आज ये स्वस्थ आपके सामने है। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है, मानती हूँ मैं। डॉक्टर ए के द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने हमको बहुत अच्छा आनंद दिया। आज हम खुश, फल फले खुशी, बच्चे बच्चे सबका परिवार का पोषण कर रहे हैं, और बहुत बहुत साधुवाद है उनको, द्विवेदी जी। तो दोस्तों, ये थी श्रीमती सरोज पांडे जी, जो हमें बता रही थी कि किस तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक पहुँच चुकी उनकी बीमारी को होम्योपैथिक दवाइयों ने जड़ से खत्म कर दिया, और आज 8-9 वर्षों बाद भी वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए अब जानते हैं डॉक्टर ए के द्विवेदी से कि वे कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी में कारगर सिद्ध हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, उज्जैन की रहने वाली श्रीमती सरोज पांडे, जिन्हें इंदौर शहर के वरिष्ठ डॉक्टर आलोक मोदी ने अप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस करके दे दिया और उन्हें यह बताया गया कि अप्लास्टिक एनीमिया का कोई इलाज नहीं है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा, जिसका खर्च लगभग 30-40 लाख रुपए आता है। पंडित फैमिली से थी सरोज पांडे, उनके बस की बात नहीं थी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कोई भी मरीज को सहसा जब बता दिया जाता है कि 30-40 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो मरीज का मनोबल टूट जाता है। एक तो बीमारी से वह मरीज टूट जाता है, दूसरा इतना रुपए सुन करके वह मरीज हार सा जाता है। लेकिन सरोज पांडे जी के पति ने हार नहीं मानी, उन्होंने इसका खोज निकाला कि होम्योपैथी में इलाज संभव है। उन्हें किसी ने बताया कि होम्योपैथी इलाज के लिए हमारे सेंटर पर आए। श्रीमती सरोज पांडे को उनके हस्बैंड लेकर के आए, जब मैंने उनका रिपोर्ट देखा तो काफ़ी कम थे प्लेटलेट्स,
और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स उन्होंने करा रखा था, बोन मैरो करा रखा था, प्लेटलेट्स कई बार करा रखा था। उन्होंने अपनी सारी कहानी मुझे बताया, जैसा कि आप इसमें सुने। मैंने उन्हें समझाया कि थोड़े समय तक होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। होम्योपैथिक दवाइयों में जो 50 मिलीस्मल पोटेंसी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे आपका प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। लगभग 1.5 से 2 साल तक हमने उनको दवाई दिया और 1.5-2 साल के ट्रीटमेंट के बाद उनका प्लेटलेट काउंट पूरी तरह से नॉर्मल आ गया और वे नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। और आज 8 साल 9 साल हो गए ट्रीटमेंट बंद किए हुए, उसके बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी वापस नहीं हुई। दोस्तों, होम्योपैथी में ऐसी काफ़ी सारी दवाइयां हैं, जैसे आर्सेनिक है, चाइना है, यूपेटोरियम परफोरेटम है, हेमामिलिस है, फॉस्फोरस है, जो हम लक्षणों के आधार पर अलग अलग मरीजों को अलग अलग दवाई देते हैं और उससे उनको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आप भी होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें, आपको भी अवश्य परिणाम मिलेगा। आप हमारा YouTube चैनल देखते रहें। आपको YouTube चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर AK द्विवेदी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से होम्योपैथिक दवाइयाँ प्लास्टिक एनीमिया जैसी अन्य रक्त संबंधी बीमारियों पर भी अपना असर दिखाती है और अमीर हो या गरीब, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आप भी अपनी या अपनों की किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथिक दवाइयों को प्राइमरी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हैप्पी होम्योपैथी फैमिलीज का हेल्दी सफ़र, छोटी गोलियां बड़ा असर, डॉक्टर AK द्विवेदी के यूट्यूब चैनल पर। अपनी और अपनों की सेहत के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर। एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, मयंक अपार्टमेंट, मनोरमागंज, गीता भवन मंदिर रोड, इंदौर। मोबाइल 9826042287, 9424083040।